हेलो गाइस वन सेकेंड वेलकम बैक टू द चैनल सो गाइस आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एम सी केवज़ ऑन ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन ऑफ इंडिया जो रहेगा हमारा इसका पार्ट टू पार्ट वन मैंने आपसे डिस्कस कर लिया है गाइस तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी उसे जाकर देख लीजिए सो गाइज अगर अभी तक आपने हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं की है उसे जाकर प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है सो so गाइज करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट सो गाइस देखिए है हमारा पहला क्वेश्चन 21 से आगे क्वेश्चन करेंगे 50 तक ठीक है गाइस चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन विच स्टेट पॉसेस थ्री मेजर पोर्ट्स इन इंडिया इनमें से कौन सी स्टेट है जिसमें हमारे इंडिया के थ्री मेजर पोर्ट्स आते हैं ओडिशा महाराष्ट्र तमिलनाडु और गुजरात सो so गाइस इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि तमिलनाडु तमिलनाडु में हमारे तीन मेजर पोर्ट्स आते हैं ठीक है अगला क्वेश्चन है हमारे पास गाइज हेडक्वाटर ऑफ साउथ सेंट्रल रेलवे है कटक है सिकंदराबाद चेन्नई या बेंगलोर जो साउथ सेंट्रल रेलवे है इसका हेडक्वार्टर है गाइज हमारे पास सिकंदराबाद ठीक है कहाँ पर है सिकंदराबाद तो गाइज आपने क्या करना जैसे कि आप अपने एग्जाम में टेस्ट दे रहे हैं ठीक है तो ये समझिए आपके सामने स्क्रीन है और यहाँ पर आपके सामने आपका फोन आपका क्या है कीबोर्ड है और आपको वहां पर अपने आंसर जो है गाइज वो लिखने हैं ठीक है यानी कि जैसे आपके स्क्रीन के सामने क्वेश्चन आएगा वो लिखना है एंड एट द लास्ट और लास्ट पे आपको क्या करना है गाइज लास्ट पे आपको लिखना है कि आपको थर्टी में से कितने मार्क्स आए ठीक है चलिए गाइज

सो so गाइज आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं वन टू थ्री एंड फोर यानी कि इन चारों से होकर गुजरता है या वन एंड टू सिर्फ केरला एंड कर्नाटका से होकर गुजरता है एंड लास्ट ऑप्शन इज गाइज वन टू एंड थ्री आर करेक्ट यानी कि सिर्फ केरला कर्नाटका और गोवा से होकर गुजरता है सो so गाइज इसका आंसर ये है आपके पास की जो कौन कौन रेलवे है ना गाइज वो क्या करता है केरला कर्नाटका गोवा और महाराष्ट्र ठीक है इन सब जगहों से होकर गुजरता है ठीक है चलिए चलते हैं अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं अगला वाला क्वेश्चन है हमारे पास वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म इज वर्ल्ड का सबसे लंबा रेलवे का प्लेटफॉर्म कहां पर है इज इन सिंगापुर में लंदन में अमेरिका में या इंडिया में सो तो गाइज दुनिया का सबसे लंबा जो रेलवे प्लेटफॉर्म है वो है गाइज इंडिया में उसका नाम है वो है कहां पर उस वो है खड़गपुर में कहां पर है गाइज खड़गपुर में ठीक है याद रखेगा इस पॉइंट को खड़गपुर में है ठीक है खड़गपुर कहां पर है गाई? वेस्ट बंगाल में ठीक है वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर कौन है वो सबको पता है ममता बनर्जी है ठीक है इसकी कैपिटल क्या है वो भी आप सबको पता है कलकत्ता ठीक है चलिए न्यू रेलवे कोच फैक्ट्री हैज बीन सेटअप इन पंजाब जो नई रेलवे कोच फैक्ट्री पंजाब में सेटअप हुई थी उसका नाम क्या था अमृतसर लुधियाना कपूरथला या जलंधर सो गाइस इसका आंसर है हमारे पास कपूरथला क्या आंसर है कपूरथला में जो नई रेल रेलवे की कोच फैक्ट्री शुरू हुई थी वो कपूरथला में थी ठीक है अगला क्वेश्चन देखिए इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है ये है कहां पर कोलकाता मुंबई दिल्ली या चेन्नई सो गाइज ये है हमारे पास दिल्ली में ठीक है आपको ये पता होना चाहिए कि ये क्या है ये जॉइंट वेंचर्स हैं ठीक है मैंने आपको पढ़ाया था ना जब मैंने आपको वो टॉपिक पढ़ाया हुआ है तब मैंने आपसे ये डिस्कस किया हुआ था ठीक है चलिए गाइज़ अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नेशनल हाईवे फोर्टी जो है ये किस किस को कनेक्ट करता है ठीक है नेशनल हाईवे फोर्टी सेवन किसको कनेक्ट करता है कन्याकुमारी को डेली के साथ कन्या और कन्याकुमारी विद सलेम कन्याकुमारी विद या मुंबई विद डेहली तो किसके साथ ये कनेक्ट करता है नेशनल हाईवे कनेक्ट करता है कन्याकुमारी को सलेम के साथ ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कलकत्ता एंड दिल्ली जो है ये कनेक्टेड है कौन से नेशनल हाईवे से वन टू थ्री एंड फोर तो गाइस कलकत्ता एंड दिल्ली जो है ये कनेक्टेड है नेशनल हाईवे टू से किससे नेशनल हाईवे टू से ये कनेक्टेड है सो गाइज एक बार, एक बार तो बता दूं। इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल डाल देता हूं ठीक है और बाकी चीजें भी मैं आपको एप्लीकेशन के ऊपर हर किसी हर किसी आदमी को ना डायरेक्टली पहुंचा देता हूँ ठीक है उसको डाउनलोड कर लीजिए और गाइज वहां पे आपको कुछ टेस्ट फ्री मिलते हैं टेस्ट भी अटेम्प्टीजिए विद इन टेन डेज आपको वहां पर मॉक टेस्ट भी फ्री मिलना शुरू हो जाएगा ठीक है उसको डाउनलोड कर लीजिएगा सीजीज एंड आर द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इन सीजीज जो है ये मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है कहां पर डेजर्ट रीजन में पोलर रीजन में ग्लाशियटेड या टुंड्रा रीजन में सो गाइस सीजीज जो है हमारे पास ग्लाशियटेड जहां पे ग्लाशियर रीजन है वहां पे हम सीजीज जो है उसका मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट वहां पर वो रहता है ठीक है अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन चीपेस्ट मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट अमंग द फॉलोइंग इनमें से चीपेस्ट मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट कौन सा है एयरवेज रेलवेज रोडवेज या शिपिंग सो आपको सबको पता है कि शिपिंग जो है हमारे पास सबसे महंगा है रेलवे हमारे पास शिपिंग रहता है ठीक है ये चीपेस्ट मीन ऑफ अगर आपसे कोई पूछे सो so गाइज आपको आंसर करना है कि हमारे पास चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है वो शिपिंग है ठीक है चलिए गाइज बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ अगला क्वेश्चन है हमारे पास अब आपको जो है नेशनल फाइंड द फॉलोइंग टाउन जो आपको टाउन्स दिए हैं इनका आर्डर आपने देखना है जो हमारे नेशनल हाईवे सेवन में आते हैं कन्याकुमारी से लेकर हैदराबा, सलीम हैदराबाद जबलपुर नागपुर सलीम नागपुर हैदराबाद जबलपुर सलीम हैदराबाद नागपुर जबलपुर सलीम हैदराबाद नागपुर जबलपुर यानी कि आपको पता लग गया होगा कि सलीम सबसे पहले आएगा सो सुगाइ यहाँ पर देखिए इसका आंसर है पहला आएगा हमारे पास सलीम फिर आएगा हैदराबाद फिर आएगा नागपुर फिर आएगा जबलपुर यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर ओके okay? चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ हाउ मेनी मेजर पोर्ट्स आर देयर एट प्रेजेंट इन इंडिया इंडिया में कितने मेजर पोर्ट्स जो है जो भी प्रेजेंट है सुगैज so 5 11 13 और 12 सो गाइस इसका आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर 13 ऑप्शन नंबर सी 13 पोर्ट्स हैं 13 में से जो है गाइस 12 हमारे गवर्नमेंट ऑन पोर्ट हैं और इसमें से वन जो है ये प्राइवेट ऑन पोर्ट है ठीक है ये क्वेश्चन हो गया अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन है जो नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे है गाइस जितने भी हमारे यानी कि हमारा जो 17 जून है ना इसके 18 जून जो है हमारे किसके पहले 17 थे अब एन जोन है हमारे रेलवे के आपको उन सब के हेडक्वार्टर का मालूम होना चाहिए उनका हेडक्वार्टर कौन सा है ठीक है अब नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे का जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है आसाम में कोलकाता में गोरखपुर में या दानापुर में ठीक है तो नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे का आप जान सकते हैं कहां पर होगा गोरखपुर में ठीक है कहां पर है गोरखपुर में इसका हेडक्वार्टर है ठीक है अगला क्वेश्चन है जो बल्क मटेरियल जो होता है ना बल्क मटीरियल आर ट्रांसपोर्टेड बाई ये किसके जरिए ट्रांसपोर्ट किया जाता है। रोडवेज, रेलवे एंड शिपिंग रेलवे या एयरवे सो सुगाइज ये सबसे ज्यादा हम रेलवे और शिपिंग के जरिए ही बल्क मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करते हैं ठीक है अब अगला क्वेश्चन है जो फर्स्ट अंडरग्राउंड रेलवे है इंडिया में वो कहां पर बनाया गया था कोलकाता चेन्नई मुंबई आज दिल्ली तो गई जो फर्स्ट अंडरग्राउंड रेलवे है इंडिया का वो कोलकाता में बनाया गया था ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन है द लॉन्गेस्ट जो सबसे लंबा इलेक्ट्रिफाइड रेलवे लाइन है वो किस किस के बीच में है मुंबई से दिल्ली के बीच में कोलकाता से दिल्ली के बीच में कोलकाता से मुंबई के बीच में या इनमें से कोई भी नहीं सो तो गई जो लॉन्गेस्ट इलेक्ट्रीफाइड रेलवे लाइन जो है ये है हमारी कोलकाता से डेली के बीच में ठीक है अगला क्वेश्चन देख लीजिए गाइस अगला क्वेश्चन है हमारे पास जो कोंकण रेलवे जो है इसने 1998 में जो ये इनोग्रेट किया गया था ये कनेक्ट करता है मुंबई को कौन से स्टेशन के साथ मदुराई मैंगलोर पनाजी या कोचीन सो गाइस ये यहाँ पर कनेक्ट करता है हमारे जो मैंगलोर स्टेशन है उसको कनेक्ट करता है कौन रेलवे स्टेशन ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए गाइज अगला क्वेश्चन है द पोर्ट दैट इज लोकेटेड एट डोल्फिन नोज इज यानी कि वो पोर्ट जो डॉल्फिन के नोज पे सचुएटेड है लोकेटेड है कांडला टूटी या विशाखापट्टनम है हमारे पास ओके गाइस चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है आंसर तो आपने देख लिया है लेकिन चीटिंग नहीं करनी है आंसर आपने इसका बताना है ठीक है नेशनल शिप डिजाइन एंड रिसर्च सेंटर नेशनल शिप डिजाइन और रिसर्च सेंटर जो है ये प्रीमियर नेशनल इंस्टीट्यूशन है कहां पर लोकेटेड है विशाखापट्टनम मैंगलोर कोचिन या कांडला सुगाइज so यहां पर जो लोकेटेड है ये है विशाखापट्टनम में कौन सा नेशनल शिप डिजाइन एंड रिसर्च सेंटर कहाँ पर है विशाखापट्टनम में है अगला क्वेश्चन है बिगेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया इंडिया का बिगेस्ट पोर्ट कौन सा है जिसका एक नेचुरल हार्बर भी है ठीक है कोचिन कोलकाता हल्दिया मुंबई या विशाखा सो गाइस इसका आंसर है हमारे पास मुंबई ठीक है जिसका अपने एक नेचुरल हार्बर है क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है ठीक है द हिंदुस्तान शिप यार्ड इज फाउंडेड जो हिंदुस्तान का शिपयार्ड है वो कहाँ पर पाया जाता है गोवा कोचिन कोलकाता गोवा कोचिन कोलकाता या विशाखापट्टनम सो तो गाइस हिंदुस्तान का शिप यार्ड जो है ये पाया जाता है विशाखापट्टनम में कहां पर विशाखापट्टनम में ठीक है गाइस चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ गाइस टोटल क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर आज की वीडियो में थर्टी और मैंने आपसे पहले कहा है कि अभी तक आपने थर्टी क्वेश्चन अभी तक हमने कितने क्वेश्चन कर लिए ट्वेंटी टू क्वेश्चन कर लिए ठीक है तो गाइस अभी तक कम से कम इनमें से आपके ना ये थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चन है तो पंद्रह क्वेश्चन तो आपके ठीक होने चाहिए इसमें से ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इनमें से विजय तो फॉलोइंग इज नॉट ए पोर्ट इनमें से कौन सा पोर्ट नहीं है कोची पैरादीप रामेश्वरम विशाखापट्टनम आप सबको पता है कि कोची भी हमारे पास एक पोर्ट है ठीक है कोची भी कोची एक पोर्ट है पैरादीप भी एक पोर्ट है पटनम भी एक पोर्ट है एंड पोर्ट जो यहाँ पर नहीं है वो है है रामेश्वरम थीके? रामेश्वरम ठीक पर पोर्ट नहीं है अगला क्वेश्चन है इस हमारे पास यहां पर टोटल सी बॉर्न कार्गो का ये हमारे इंडियन शिप के द्वारा कैरी किया जाता है वो क्या है फूड ग्रेन पेट्रोलियम मेटल ओर्स या कैपिटल गुड्स तो गाइज इसका आंसर है मेटल ओर्स ठीक है अगला क्वेश्चन देख लीजिए डिड इंडियन रेलवे गाइज ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंडियन रेलवेज ने इंटरनेट सर्विसेज जो है ट्रेन पर ट्रेंग के ऊपर कब शुरू की थी ठीक है ऑप्शन आपके सामने जनवरी अप्रैल वन टू थाउजेंड थ्री एंड माई वन टू थाउजेंड थ्री तो इसका जो आंसर है हमारे पास वो ऑप्शन नंबर डी मई वन टू थाउजेंड थ्री हाँ और अगर एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि वाई जो है कब इनको प्रोवाइड किया गया इंटरनेट ये जो वाईफाई सर्विसेज जो है कब प्रोवाइड की गई जनवरी दो जनवरी 2016 में ठीक है कौन से वाले स्टेशन को मुंबई सेंट्रल रेलवे याद रखना अपना इसको मुंबई सेंट्रल रेलवे जो है वहां पर क्या किया गया था इसको सबसे पहले वाईफाई जनवरी 2016 में प्रोवाइड किया गया था और अप्रैल 2016 में आके ये नौ और जो स्टेशन हैं उनको प्रोवाइड किया गया था ठीक है चलिए गाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इसको ध्यान में रखिएगा चलिए गाइज अगला क्वेश्चन देख लेते हैं ये अगला क्वेश्चन है Who is responsible for the the construction and maintenance of the national highways? National highway को जो है इसकी कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस के लिए कौन रिस्पांसिबल है स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट या नेशनल गवर्नमेंट सो गाइस इसकी जो गा कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस के लिए रिस्पांसिबल है दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट ठीक है अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा अगला क्वेश्चन है हमारे पास हु इज रिस्पांसिबल फॉर द स्टेट हाईवे स्टेट हाईवे के लिए रिस्पांसिबल कौन है और मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड के लिए रिस्पांसिबल कौन है स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट या नेशनल गवर्नमेंट जो है सिंपल आंसर होगा इसका स्टेट गवर्नमेंट ठीक है चलिए गाइस अगला क्वेश्चन देख लीजिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर अब आपके सामने ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बार्डर रोड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ये कब सेटअप हुई थी अप्रैल 1951, अप्रैल 1952, अप्रैल एंड मई 1960 सो एंड गाइस यहाँ पर इसका आंसर जो है वो है मई 1960 जो है और हमारी डिफेंस करने के लिए रैपिड एंड इंटीग्रेटेड एक्सपेंशन करना हमारे कर, नार्थ और हमारे रोड नेटवर्क नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर एरियाज में ठीक है गाइज चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे पास विच आच वर्स्ट इंडियन प्राइवेट एयरलाइन टू लॉन्च फ्लाइट टू चाइना इन देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये भी जो ये फर्स्ट वाले होते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आपके लिए फर्स्ट इंडियन प्राइवेट एयरलाइन कौन सा है जिसने

1995 इसको गाइस किया गया था अक्टूबर 1985 को ठीक है इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपके लिए ये भी मैं अपनी वीडियो में कवर करवा चुका हूं जो मैंने आपको इसका लेसन पढ़ाया है ठीक है गाइस इसका ऑप्शन से आपके सामने कि एयरपोर्ट अथॉरिटी जो है इंडिया की इंटरनेशनल एयरपोर्ट असलते जो इंडिया की कब सेटअप की गई थी, ठीक है 1960, 1972, 1985 या 1986 कब सेटअप की गई थी, तो so, गाइस ये सेटअप की गई थी 1972 में, ठीक है गाइस, तो ये था हमारा आज का प्यारा सा डिस्कशन, जिसमें हमने डिस्कस किया किस चीज के बारे में जो हमारे थर्टी जो इंपॉर्टेंट एमसी के पार्ट टू ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन ऑफ इंडिया का ठीक है कल की वीडियो में हम जहाँ पर बात करने वाले हैं जो आपके है, रिवर्स हैं ठीक है इंपॉर्टेंट ऑफ ऑफ रिवर्स इंडिया कल की वीडियो में वो डिस्कस होगा उसके अगले वाले वीडियो में डिस्कस होगा जो हमारी इंपॉर्टेंट लेक्स है इंडिया की उनके बारे में डिस्कशन होगा होगा तो इस वीडियो को शेयर कर लीजिए अच्छी लगी है लाइक कीजिए नहीं लगे डिसलाइक लीजिए अगर डिसलाइक क्यों किया ये बता देना मुझे ठीक है थैंक यू यू गॉड ब्लेस यूवाल जय हिंद